दोस्तों, अगर अभी भी चीन यह समझता है कि वह भारत से हर क्षेत्र में आगे हैं, तो वह गलत समझता है। अब भारत ने चीन को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत G20 से पहले चीन को उसकी औकात दिखा देगा और उसे मजबूर कर देगा कि वह G20 में ही निर्णय ले कि भारत को वीटो दिलाने में सहमति देगा। इसी क्रम में चीन को जवाब देने के लिए भारत ने LSC के पास न्योमा एयरबेस को अपग्रेड करने की शुरुआत कर दी है। क्या है न्योमा एयरबेस, जो आप सब लोगों को जानना जरूरी है। उसे अपग्रेड करने जा रहा है भारत, उससे क्या बेनिफिट होगा और कैसे चीन इस प्रोजेक्ट से डरा हुआ है, यह अभी आपको विस्तार से हम बताएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो 1947 के बाद से भारत और चीन के बीच कई विवाद हुए हैं और अभी भी भारत और चीन के बीच की स्थिति सही नहीं है। ऐसे में चीन कभी भी भारत पर हमला कर सकता है और भारत को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। ऐसे में हाल ही में भारत की तरफ से आर्मी कमांडर का यह बयान आया था कि हम पूरी तरह से चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इसी कड़ी में भारत अब चाइना पर नजर रखने के लिए अपने एक एयरबेस को बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पर अपग्रेड कर रहा है और इस एयरबेस का नाम है न्योमा, जो कि लद्दाख में मौजूद है। असल में यह जो न्योमा नाम की जगह है, यह पहले यहां पर भारत के हेलीकॉप्टरों का लैंडिंग हुआ करता था, लेकिन अब इसे बड़ा एयरबेस बनाकर जो भारत के फाइटर जेट्स है, चाहे फिर वे राफेल हो या फिर तेजस जैसे लड़ाकू विमान या सुखोई जैसे लड़ाकू विमान, उन्हें यहां लैंड करवाया जा सकेगा और न्योमा का अपग्रेड होना काफी मायने रखता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया, तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई तकनीकी कारण थे, क्योंकि यह जिस क्षेत्र में मौजूद है वहां पहाड़ी क्षेत्र है और काफी ऊंचाई पर स्थित है और यह इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट फील्ड होगा। इसके साथ साथ यहां पर पर्यावरण से जुड़ा भी काफी ज्यादा इशू था, लेकिन अब पर्यावरण विभाग के द्वारा ऑप्टिकल केबल बिछाए जाने और टेलीफोनिक कनेक्टिविटी की परमिशन मिलने के बाद अब यहां पर काम शुरू हो रहा है। तो अब यहां पर एक बहुत बड़ा रनवे बनाया जाएगा और उस रनवे के बनाए जाने से भारतीय सेना के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी मदद मिल जाएगी। तो एक तरह से न्योमा अब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है उसे अपग्रेड करने का काम इसी साल शुरू कर दिया जाएगा और 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और BRO सुरक्षा संगठन द्वारा इसे अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, जब आप LOC बॉर्डर को देखते हैं तब आप न्योमा को भी आसानी से इसमें देख सकते हैं। यक्षाई चीन से थोड़ा दक्षिण की तरफ मौजूद है, जहां पर यह पेंगोंग लेक के नजदीक है और यह कोई पहला एयरबेस नहीं है, बल्कि भारत ने ऐसे कई एयरबेस बनवा रखे हैं और अब भारत सरकार इस नए एयरबेस को बनाने के लिए तेजी से काम शुरू कर चुकी है और इस पर 230 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने भी अपने जीवन में काफी बड़ी मात्रा में एयरबेस तैयार कर रखे हैं। जब से चाइना और भारत के बीच के रिश्ते खराब होने लगे हैं, तब से चाइना ने भारत के उत्तर की तरफ लगभग 16 नए एयरबेस तैयार किए हैं। ऐसे में इन 16 एयरबेस के कंपैरिजन में अब भारत भी अपनी तैयारियों में लगा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन ने अपनी तरफ से काफी तैयारी कर रखी है और ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत को भी अपने एयरबेस पूरी तरह से तैयार रखने होंगे। फिलहाल जिस जगह पर चीनू हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर उतरते हैं, वहां पर अपग्रेड होने के बाद तेजस, मिराज, राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स उतर पाएंगे और यही सबसे बड़ा फायदा होगा न्योमा एयरबेस अपग्रेड होने का। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में अजीत डोवाल UK पहुंचे थे और UK जाकर वे UK के NSA से मिलने वाले थे, लेकिन उस मीटिंग में अचानक से ऋषि सुनक भी पहुंच गए, जिसने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि वो मीटिंग दोनों देशों के NSA के बीच थी और वहां UK के प्राइम मिनिस्टर का होना पहले से तय नहीं था, लेकिन तब भी ऋषि सुनक अचानक इस मीटिंग में पहुंच गए। ऐसे में क्या वजह है कि ऋषि सुनक इस तरह से मीटिंग में पहुंचे और अजीत डोवाल आखिर किस मकसद से UK पहुंचे, इन सभी बातों के बारे में अब हम आपको थोड़ा विस्तार से डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, अजीत डोवाल UK पहुंचे हुए हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बेहद खास बात है तभी वो वहां पहुंचे।
वैसे अजीत डोभाल यूके पहुंचे थे अपनी टीम वालों से मिलने, यानी कि वहां के जो एनएसए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। ऐसे में वहां बैठक हुई और बैठक में पहले तो तय नहीं था, लेकिन अचानक से यह खबर आई कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इस बैठक में शामिल हुए। ऐसे में ऋषि सुनक का इस मीटिंग में शामिल होना एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी संकेत को दिखाता है कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा था, जिसकी वजह से ऋषि सुनक यहाँ पर पहुंचे। ऐसे में आप समझ सकते हैं ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी। अब ऐसे में यह बात आ रही है कि अजीत डोभाल किन मुद्दों को लेकर यूके पहुंचे थे, तो आपको बता दें कि अभी ब्रिटेन और भारत के बीच कई तरह के मुद्दे हैं, जिनमें से एक मुद्दा है व्यापार का। भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। इसके साथ ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मुद्दा है कि वे दोनों देश एक दूसरे से क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में बीबीसी ने जिस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री पेश की, वह डॉक्यूमेंट्री एक पर्दे के पीछे चल रही बड़ी साजिश को बता रही है। इसके अलावा हाल ही में यह देखा गया कि यूके में कई पाकिस्तानी एजेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो भारत इन चीजों को बेहद गंभीरता से ले रहा है और माना जा रहा है कि अजीत डोभाल इन सब वजह से इस बैठक के लिए यूके गए थे। यही एक मेन मुद्दा था और इसके अलावा भी भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात हो रही थी। ऐसे में यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से ऋषि सुनक ने इस बैठक में एंट्री ली और ऋषि सुनक ने खास तौर पर आश्वासन दिया कि वे भारत के लिए जो बेहतर होगा वही काम करेंगे। वैसे आपको बता दें कि ऋषि सुनक के इस अपीयरेंस को मीडिया में बहुत ज्यादा खास तरीके से छापा गया और बताया गया कि ऋषि सुनक जिस तरीके से यहां पहुंचे यह एक खास इशारा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भी ट्वीट किया और कहा कि टीम बेरो और अजीत डोभाल के बीच बैठक हो रही थी और इस बैठक में ऋषि सुनक पहुंचे, यानी कि वह भारत के लिए बेहद संवेदनशील है और भारत और यूके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसी रास्ते पर चलना चाह रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी लताड़ लगाई थी और भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भरी संसद में यह बात कही थी। जी हां दोस्तों, ऋषि सुनक ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए एक पाकिस्तानी सांसद को चुप करा दिया था। यह बात खुलकर कही थी कि जिस तरीके का चरित्र वर्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है वह इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जिसने सभी भारत विरोधी सांसदों की बोलती बंद कर दी थी। वहीं पर ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से भारत को खुला समर्थन देने के बाद ऋषि सुनक का खुद दोनों देशों के एनएसए के बीच हो रही मीटिंग में आना भारत और ब्रिटेन में होने वाले मजबूत संबंधों का प्रमाण है, जो आगे आने वाले समय में हमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि यूके के साथ भारत के संबंध आगे बढ़ेंगे या नहीं, इस बारे में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।